ऑलराइट, तो कैसे हो मेरे सैन दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। उम्मीद में करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो बहुत लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि सेकंड पार्ट टीओपी का कब ला रहे हो। सॉरी यार थोड़ा लेट हो गया, बट मैं ला दिया हूँ। इस बार मैंने सीधे 12 टीपी का किया है, तो फटाफट इस रूट्स को देख कर अपना आप कर लेना। तो जो लोग नहीं जानते हैं टीओपी, तो मैं बता दूं यार, टीओपी में सभी रूट सेम होते हैं, चाहे आप टीयर एस के हो चाहे टीयर जी के हो, आप सारे सीक्वेंस सेम होते हैं। आप सीक्वेंस को देख के फॉलो कर सकते हो। अगर आप कोई भी टीम रन कर रहे हो, इट डजेंट मैटर, आप थोड़ा अपने सीक्वेंसेस को हिसाब किताब से रख लेना। बाकी अगर आप मेरे डिस्कॉर्ड पे नहीं हो तो यहाँ पर चले आओ। यहाँ पर टीओपी फॉर्मेशन करके एक सेक्शन आप सामने देख रहे होगे, यहाँ पर मैं हर सीजन के रूट्स डाल देता हूँ कि कैसे आपको खेलना है, कौन से रूट आपको मैक्स पॉइंट दिलाएंगे, कौन से आपका सेफ होगा। ठीक है, तो ये फटाफट हम वीडियो शुरू करते हैं। मैं पूरी वीडियो में कॉमेंट्री नहीं करूंगा, बस आप सिक्वेंस आप देख लो, कौन सा रूट फॉलो करना ये देख लो, और उसी हिसाब से करेक्टर को किल करना जैसे मैंने किल किया है, ताकि आपके यूनिट्स मरे ना और लास्ट तक आप बोनस 200% ले लो। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको कर लो। रीजन फॉलो करते हो तो आप मेरी टीम कॉपी कर सकते हो। अगर आपको यूनिट्स नहीं पता है कि कौन सा, तो मैं प्रीवियस वीडियो सर्च कर लो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर उससे भी आपकी हेल्प नहीं बन रही है तो डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड की लिंक होगी, वहाँ चले आना, और आप वहाँ आकर किसी से हेल्प मांगो, आप मिल जाएगी। नहीं तो आप मेरे को पिंग कर सकते हो, मैं आकर जैसे ही अवेलेबल हूँगा आपको हेल्प वहाँ आके कर दूंगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको कर लो। और 1KCC है, आपको 1KCC से मतलब है, आपको रैंक से अगर मतलब है तो फिर आपको आप देख लो, बट अगर आपको 1KCC चाहिए तो ये रूट फॉलो करो, आपको आराम से 1KCC मिल जाएगा और इजीली आप कर लोगे। तो फटाफट आप देखो, मैं पूरी वीडियो में कमेंट्री नहीं करूँगा, तो बस यही था। और अच्छा लगता है आपको ये चीज़ करना तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर करना, मेरे चैनल को सपोर्ट करना, अपने इंडियन डेविल कम्युनिटी को। तो मैं आपसे मिलूंगा एक अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।